बिग बॉस के हर सीजन में ऐसा होता आया है, जब तक जो सीजन पर्टिकुलरली चल रहा होता है उसके एक्टर्स हर तरफ छाए होते हैं। कोई भी सोशल मीडिया रैंकिंग उठा लो, सोशल मीडिया पर ट्वीटिंग्स उठा लो, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग्स उठा लो, हर जगह वही कंटेस्टेंट्स रूल कर रहे होते हैं। जैसे जैसे अगला सीजन आता है फिर पुराने वाले पिछड़ते चले जाते हैं। सिडनास के साथ ऐसा बहुत कम हुआ, तेजरन के साथ भी ऐसा बहुत कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश को पछाड़ दिया है प्रियंका चहर चौधरी ने, और इसमें ये कहीं पर भी नहीं आना चाहिए कि तेजस्वी अच्छी या बुरी अच्छी, अच्छे दोनों हैं, लेकिन बात ये होती है कि करंटली सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है। कॉन्स्टेंटली आप देखिए ट्विटर पर हर दिन प्रियंका ट्रेंड कर रही होती है, जाहिर सी बात है क्योंकि वो बिग बॉस में है। तो ये काफी हद तक जो है रेटिंग्स पर असर डालता है कि कौन सी सेलिब्रिटी ज्यादा नजरों में इस वक्त आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त टॉप 10 TV पर्सनालिटीज, जी हाँ टेलीविजन की टॉप पर्सनालिटीज की एक लिस्ट आउट हुई है, FMN की रेटिंग आउट हुई है वीक 44 की, यानी कि साल के 44th वीक की। इसमें टॉप 10 कौन कौन है, जिसमें से ज्यादातर तो बिग बॉस वाले ही हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। 10th स्पॉट पर है सुभी चांदना, 9th स्पॉट पर है आपके और हम सबके प्यारे शिव ठाकरे, 8th पर है प्रणाली राठौड़, 7th पर है टीना दत्ता, 6th पर है श्रद्धा आर्या, 5th पर है आयशा सिंह, 4th पर है MC स्टैन, 3rd पर है अब्दुल रोजिक, 2nd पर है तेजस्वी प्रकाश, नंबर 1 पर है प्रियंका चहर चौधरी। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश अब तक जो भी FMN की रेटिंग आया करती थी उन सभी रेटिंग्स में तेजस्वी टॉप पर हुआ करती थी, लेकिन ये पहली, ये आई थिंक दूसरी बार है। लास्ट वीक भी प्रियंका नंबर 1 पर थी और अभी भी प्रियंका ही नंबर 1 साबित हुई है, प्रियंका ने ही बाजी मारी है। जी हाँ, प्रियंका चहर चौधरी जो है वो कॉन्स्टेंटली इस वक्त हर तरफ ट्वीट, ट्रेंड, वायरल, मीम मटेरियल सब कुछ प्रियंका के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। बिग बॉस के घर में भी भैया टीना दत्ता ने खुद ये बात कह दी थी कि प्रियंका विनर बन सकती है, क्योंकि उन्हें भी प्रियंका में ही विनिंग क्वालिटीज और उन्हें भी प्रियंका में ही विनर मटेरियल जो है वो नजर आता है। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि विनर मटेरियल अगर घर में है तो वो दो ही लोग हैं, प्रियंका और शिव। निमृत भी लगती है मुझे थोड़ी थोड़ी, लेकिन कभी कभी निमृत नहीं लगती है, फिर वो 50-50 सिचुएशन लगता है, लेकिन प्रियंका हर दिन विनर मटेरियल लगती है, शिव हर दिन विनर मटेरियल लगते हैं। शिव तो ऑलरेडी बन भी चुके हैं तो उनके चांसेस फ्रैंकली सेइंग कम है काफी ज्यादा, लेकिन प्रियंका के काफी हाई है। सो आपको क्या है कहना इस पूरे स्टारडम शिफ्ट पर, बताइएगा जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में।